दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। दो कारों की जबरदस्त भिड़ंत में महिला की मौत, नौ सवार घायल। कांगड़ा बाईपास पर हादसा, सड़क के नीचे गिरी जीप क्षतिग्रस्त, एक कार को भी लिया चपेट में। कैबिनेट में आउटसोर्स पॉलिसी फाइनल करे सरकार, नहीं तो हड़ताल। स्वारघाट परीक्षा केंद्र में 110 ने दी डीएलएड की प्रवेश परीक्षा। अंडर 16 क्रिकेट टीम के चयन के लिए ट्रायल, 70 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय ऊना से करीब 10 किलोमीटर दूर त्यूड़ी में दो कारों में हुई आमने सामने टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि हादसे में दोनों कार में सवार 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां से 10 वर्षीय बच्ची व उसकी माता को गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। मृतक महिला की पहचान उषा देवी पत्नी यशपाल शर्मा निवासी रायसेरी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। सर, 9 वर इंजर्ड एंड 1 वाज ब्रॉट डेड। ब्रॉट डेड को नेम इज उषा देवी, 60 ईयर ओल्ड फीमेल, एंड अमंग द इंजर्ड आरती देवी 1 एंड आराध्य शर्मा 2, दीज आर 2 क्रिटिकल, दे आर बीइंग रेफर्ड टू पीजीआई। रेस्ट वी हैव गिवन ट्रीटमेंट, 2 वर फाउंड टू बी डिसलोकेटेड एट हिप एंड दे हैव बीन ट्रीटेड बाय आवर डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन। रेस्ट वी आर डूइंग द बेस्ट। कांगड़ा बाईपास पर देर रात एक जीप के सड़क से नीचे गिरने से जहां जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं निचली सड़क पर खड़ी कार भी इसकी चपेट में आ गई। मिली जानकारी के अनुसार देर रात को चालक ने जीप से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह बाईपास की मुख्य सड़क से निचली सड़क पर एक अन्य कार पर जा गिरा। हादसे में दोनों गाड़ियों का भारी नुकसान हुआ है। सरकार 30 जून से पहले आउटसोर्स पॉलिसी कैबिनेट में फाइनल करे, अन्यथा कर्मचारी हड़ताल करेंगे। ये ऐलान आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ जिला कुल्लू के पदाधिकारियों ने किया है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रधान महेंद्र नेगी ने कहा कि सरकार आउटसोर्स पॉलिसी आने वाली कैबिनेट में फाइनल करे तथा हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में जो कर्मचारी 6 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाओं को 8 घंटे किया जाए और इनके वेतन में भी इजाफा हो, ताकि इन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में मुसीबतों का सामना न करना पड़े। माननीय मंत्री महोदय, अपने जल शक्ति मंत्री से भी हमें आग्रह करेंगे कि जो इसके चेयरमैन है उनसे भी हमें आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा की जाए। तो अगर हम 30 तारीख तक इसकी घोषणा नहीं करते, इसकी नोटिफिकेशन नहीं होती, तो हो सकता है कि हमें एक अलग एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को प्रदेश भर में डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। बोर्ड द्वारा इस प्रवेश परीक्षा के लिए राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्वारघाट को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। स्वारघाट परीक्षा केंद्र के लिए कुल 120 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। 120 में से कुल 110 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहे, जबकि 10 अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी का पालन किया गया तथा परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन की गई। सैनिटाइजेशन के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। ये प्रवेश परीक्षा स्कूल के 6 कमरों में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ली गई। प्रवेश परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली। जिला ऊना मुख्यालय के इंदिरा मैदान में जिला क्रिकेट संघ द्वारा जिला की अंडर 16 क्रिकेट टीम के चयन के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया। एचपीसीए द्वारा होने वाली अंतर जिला प्रतियोगिता के लिए टीम में शामिल होने के लिए करीब 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से चयनकर्ताओं ने जिला क्रिकेट संघ द्वारा लगाए जाने वाले अभ्यास कैंप के लिए 30 खिलाड़ियों का चयन किया। क्रिकेट कोच राहुल शर्मा ने कहा कि कैंप के लिए चुने गए 30 खिलाड़ियों में से ही अंतर जिला प्रतियोगिता के लिए 15 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।
अंडर 16 बॉयज का सिलेक्शन चल रहा है, इसमें चयन प्रक्रिया में हम आज चयन प्रक्रिया में 70 के करीब बच्चों ने भाग लिया है, इसकी सेक्शन प्रक्रिया चल रही है। आगामी आने वाले दिनों में इसका टूर्नामेंट का आयोजन HPCA द्वारा किया जाएगा, जिसमें डेज मैचेस का आयोजन होगा 2 डेज का लीग बेसिस पे, और इसके बाद कैंप किया जाएगा। कैंप में जो परफॉर्मर अच्छे होंगे उनको नेक्स्ट टीम के लिए रखा जाएगा। राव जी, कितने खिलाड़ी आज यहाँ पर ट्रायल में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ से? 70+ बच्चों ने भाग लिया है और ऑल ओवर ऊना से आए हुए हैं बच्चे, सब सेंटर्स के भी हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट एकेडमी के भी हैं, और ऑल ओवर जो बच्चे गांव में खेलते हैं उन्होंने भी आज पार्टिसिपेट किया हुआ है। कितने जो है वो यहाँ पर कैंप के लिए कितनी सिलेक्शन की जाएगी, कितने बच्चे कैंप के लिए आप ले रहे हैं? मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन प्रक्रिया का आयोजन होगा, सिलेक्टर्स बैठेंगे, उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उन बच्चों को 30 खिलाड़ियों का चयन होगा, 30 खिलाड़ियों का जिसमें बैट्समैन बॉलर इंक्लूड होंगे, और उनका फिर कैंप आयोजन किया जाएगा। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8, ब्रॉट यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू, मेगा प्राइज TVS जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी अर्नी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल TV। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ।